निकल गए अपने दूसरे मंजिल के सोनमर्ग के लिए, और अभी हम जा रहे थे रास्ते में, तो ये हमने मैंने जैसे वादा किया था आप लोगों से कि मैं आपको पाकिस्तान जाऊँगा, तो पाकिस्तान ये रहा भाई, जो सफ़ेद पहाड़ नजर आ रहा, ये पाकिस्तान है, और ये पूरी फोर व्हील ले जा रही है ऊपर तक के लिए, यहाँ पे हमारी आर्मी तैनात रहती है हमेशा। तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं हम आगे मंदिर की तरफ और चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं रास्ता, और ये मानी जाती है भारत की सबसे ठंडी जगह, बट ऐसा नहीं है, हमारे बिल्कुल गर्मी लग रही है यहाँ पर, इतनी गर्मी है, मौसम चल रहे थे। तो सर ने हमें एकदम अभी लिफ्ट दे दी, थैंक यू सो मच सर लिफ्ट देने के लिए, और सर ने हमें चाय के लिए और चाय वाय, और ये हम जो ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर जो होता है, और ये लोकल है, ये लोकल, और ये जो चाय है ना नमकीन, नमकीन चाय, तो ये सिर्फ यहीं होती है लद्दाख साइड में, कश्मीर में भी होती है, इसमें बटर टाइप का होता था, हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि हम लोग सुबह से ये मीठी वाली पीते हैं, लद्दाख में पिया था, हमें पसंद नहीं आया, हम सुबह से मीठी वाली पीते हैं। तो अभी चलते हैं सोनमर्ग जाना है, अभी पहुँचने वाले थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से, तो मैं बताता हूँ आपको पहुँच के स्टेडियम। तो गाइस अब हम अंकित आ गए हैं अपने ड्राइवर जोन में चलते चलते, और अंकल पीछे चले गए, और काफी मजा आ, काफी मजा आ रहा है, नजारा देखिए, वाह भाई वाह, नजारे के साथ चलाने में अलग ही मजा, मतलब नजारे के साथ चलाने का अलग ही मजा आ रहा है भाई, ये तो रिदम बन गया, ये तो रिदम सा बन गया भाई, ओहो मजा आ गया, मजा आ रहा भाई, बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम सोनमर्ग में, बस अभी आगे बैठे हैं, आज मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ, कि आज काफ़ी टाइम बाद मैंने पहाड़ों पर गाड़ी चलाई, तो मैं मज़ा भी आया, अच्छा लग रहा था काफ़ी चलाने में, और अभी बस खाना खा रहे हैं अंकल जी के साथ, थैंक यू अंकल, और अंकल जी बस यहाँ से श्रीनगर निकल जाएंगे, और मारू भाई खाना खा रहे हैं, देखो लिटरली भाई अंकल बहुत प्यारे थे, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे थे, मतलब नहीं है भाई मेरे पास, कि दुनिया में ऐसे बंदे नहीं है भाई, हैं ऐसे बंदे मारू, हैं ऐसे बंदे, और भाई मैं कश्मीर को लेके पहले बहुत ज़्यादा वो था, बट ऐसा नहीं है यार, मेरा पूरा वो अभी फिलहाल चेंज हो गया, मैं दो तीन लोगों से मिला हूँ, जब से मेरा चेंज होता रहा, चेंज होता है कि लोग कैसे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बट नज़ारा भी बहुत अच्छा, देखिए भाई साहब ये। तो दोस्तों अभी आ गए हम बाहर, और बारिश पड़ रही थी बहुत देर से, थोड़ी सी रुकी है, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर का नज़ारा देख लें। तो मारू भाई यहाँ पे घूमने की कुछ जगह पता है आपको? भाई यार अभी तो नहीं पता, जब 66 में मैं आया था तो ये सब देख रहे हो ना तुम, ये सब खेत ही खेत था, यहाँ पे कुछ नहीं था, अरे नहीं अब देख रहे हो कितने बदल गया, ये शॉल वाली फैक्ट्री खुल गई, देख रहा हूँ कुछ भी नहीं था उस टाइम 66 में, अब बदल गया तो मुझे इतना पता नहीं, चलो देखते हैं। उम्र कितनी तुम्हारी? उम्र तो यही है 5-6 साल। मुझे पकड़ लूंगा, ये जयपुर नहीं है, जयपुर नहीं है।
जयपुर वाली बात अगर आपको नहीं समझ आई तो आपको हमारा लद्दाख वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा, सब समझ में आ जाएगी। ओ भाई 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 क्या प्यारा नजारा मार। तो भाई अभी किचन में जा रहे हैं हम, ये देखो यहाँ पे घोड़े वोड़े, यहाँ पे वही चीज है जो चीज में पसंद नहीं ना वही चीज ज्यादा लुक करते हैं यहाँ पे। क्यों जाए घोड़े में बैठ रहे हैं, ठंड थोड़ी लग रही है, थोड़ी थोड़ी सांस सी फूल। मैं जा रहा हूँ उस व्यू के लिए, समझ रहे हैं आप, वो व्यू चाहिए। भाई हमने रूम की पता करी, रूम पता कितने कितने रूम कितने उतारा भाई, वो इतने में घर से लेके भी ना आए ट्रिप से पहले जब चले थे तब घर से भी नहीं लेके आए थे, इतने में तो बता रहा यार 3000 रुपये। भाई जो ऐसा ये यात्रा पे निकले, और एक और चीज़ भाई वो अमरनाथ की यात्रा ना वो यहीं पास में ही है, तो इन्हें जा नहीं सकते क्योंकि अभी चालू नहीं हुई है वो। हाँ कही थी मैंने तुमसे कि वो रख लो भाई, यहाँ की जो लेक वेक है ना वो बहुत दूर दूर है, कोई जाने का फायदा नहीं है, वहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लंबे लंबे ट्रैक है। और सब जगह कश्मीर का व्यू पता है एक जैसा ही यार, सब जगह कश्मीर बहुत सुंदर है ओवरऑल, सब जगह ऐसी ही खूबसूरती है, पर थोड़ी ज़्यादा नेक नीला पानी ज़्यादा हुआ। मैंने तो रास्ते में बहुत ऐसे व्यू देखे जो लेक से व्यू का है ना, जो लेक से आप कश्मीर की तरफ आते हैं उसका व्यू मतलब अलग ही नज़ारा है।